भारत के जरिए अफगानिस्तान को गिफ्ट किया गया ये वही MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि अब तालिबानी आतंकियों के कब्जे में है। तालिबान के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के लगभग 65% जगहों पर कब्जा कर रखा है। इसी कड़ी में अब तालिबान ने कुंदूज एयरबेस पर भी कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही भारत के जरिए अफगानिस्तान को गिफ्ट किए गए MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इस हेलीकॉप्टर के रोटर्स नहीं है और टायर भी पंचर है, ऐसे में ये हेलीकॉप्टर उड़ने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ तालिबानी समर्थक और स्थानीय लोगों को भी देखा जा सकता है। बता दें कि साल 2019 में भारत ने 4 MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान को गिफ्ट किए थे, 2 मई के महीने में और 2 अक्टूबर के महीने में। भारत ने इस अटैक हेलीकॉप्टर्स को रूस से खरीदा था। ये हेलीकॉप्टर्स 2015 और 16 में अफगानिस्तान को दिए 4 MI-35 हेलीकॉप्टर्स के रिप्लेसमेंट थे। उस वक्त यानी साल 2015 में भारत ने अफगानिस्तान को 3 स्वदेशी चीतल हेलीकॉप्टर भी दिए थे। माना जा रहा है कि तालिबान अब अफगानिस्तान के सभी सीमावर्ती प्रांतों पर कब्जा कर चुका है या फिर कब्जा करने की स्थिति में है। बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी ये चेतावनी दी है कि तालिबान आतंकवादी अगले 30 से 90 दिनों में अफगानिस्तान पर पूरे तरीके से कब्जा कर सकते हैं। राजधानी काबुल पर भी तालिबान लगातार हमले कर रहा है। यही वजह है कि हाल ही में भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा था कि अगले कुछ महीनों में तालिबान काबुल पर कब्जा कर सकता है। बताते चलें कि अफगानिस्तान ने तालिबान के खिलाफ हवाई हमलों के लिए भारत से भी मदद मांगी है। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।